Hello friends, let's move on to our next video. This video is about the some basic concepts that why any number's power 0 is 1. We know that ki agar koi bhi number le jaise 2 power 0 ya 100 power 0 ya koi bhi number le agar power mein 0 aa jata hai to wo 1 ban jata hai. To start karte hain ki aisa kyu hota hai. Let x be a variable. अब ये variable है तो मतलब कि x की कोई भी value आ सकती है naturals में, whole numbers में, rationals में, कोई भी value. और हमें ये भी पता है कि अगर किसी भी number की power 0 ले 1 होता है. लेकिन क्यों? उसका proof आज हम करेंगे. So let's start. तो कोई भी number ले लेते हैं. मान लो for example हमने निकालना है 2 power 0. इसको find out करना है कि ये 1 कैसे आएगा. और 2 की power 1 क्या होती है हमारे पास? Simple 2. 2 का square 2 multiply by 2 4. Similar way 2 का क्यूब 2 2s are 4 2s are 8 2 की पावर 4 16 2 की पावर 5 32 एंड सो ऑन. तो अगर पैटर्न देखें, अगर 2 की पावर 5 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 16 बन जाएगा जो कि 2 की पावर 4 है. अगर 2 की पावर 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगा जो कि 2 की पावर 3. फिर अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 की पावर 2 4 अगेन डिवाइडेड बाय 2 इट्स 2. एंड इफ इन सिमिलर वे अगर हम 2 की पावर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर तो 2 की पावर 0 बन जाएगा और इधर 2 डिवाइडेड बाय 2 1. और इसी तरह से अगर कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर 0 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 1 3 3 था 9 27. अगर 3 से डिवाइड करते चलें तो एट द एंड क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 1. सो इसी वजह से किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है. होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.